सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वीडियो नंबर 3, होमोजीनियस सिस्टम वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में हम लोग होमोजीनियस सिस्टम के सोल्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे। बोर्ड पर हमने लिख दिया पहले से, देखिए। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a11x1 प्लस a12x2 प्लस सो ऑन प्लस a1nxn इक्वल टू 0, a21x1 प्लस a22x2 प्लस सो ऑन प्लस a2nxn इक्वल टू 0, am1x1 प्लस am2x2 प्लस सो ऑन प्लस amnxn इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ होमोजेनस सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन वेरिएबल्स x1 x2 सो ऑन xn। ठीक ना, कितने इक्वेशंस है गिनिए, m इक्वेशंस है। देखो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ m लिखा है। देर आर m इक्वेशंस इन n अननोन वेरिएबल्स x1 x2 सो ऑन xn। दिस सिस्टम हैज ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशंस, दैट इज जीरो सॉल्यूशंस, दैट इज ऑल द अननोन वेरिएबल्स आर जीरो, x1 इज जीरो, x2 इज जीरो एंड सो ऑन xn इज जीरो। पहले तो आप इस चीज़ को फील कर लीजिए कि जितने अननोन वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू जीरो हम मान लें, x1 जीरो, x2 जीरो, xn जीरो, तो ये एक सोल्यूशन है इस सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे ना, x1 जीरो, x2 जीरो, xn जीरो सब रखोगे तो जीरो बराबर जीरो आ जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया, इससे संतुष्ट करेगा, हाँ इससे सेटिस्फाई करेगा, हाँ, यानी कि पूरे सिस्टम का कॉमन सोल्यूशन हुआ। तो ये सिस्टम सोल्यूशन के लिए तरसने वाला सिस्टम नहीं है। होमोजेनस सिस्टम के पास सदैव हमेशा जीरो सोल्यूशंस होंगे ही होंगे। फर्दर स्टडी का मटेरियल ये है कि होमोजेनस सिस्टम के पास नॉन जीरो सोल्यूशंस होंगे कि नहीं, और अगर होंगे तो किस नेचर के होंगे, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज दिस वन। जब इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे a11x1 प्लस a12x2 प्लस सो ऑन प्लस a1nxn, ठीक, ये पहला एलिमेंट आएगा, फिर वो बराबर जीरो हो गया, a21x1 प्लस a22x2 प्लस सो ऑन प्लस a2nxn, ये नीचे दूसरा एलिमेंट है, इक्वल टू जीरो, ऐसे ही आते चले। इसको और शॉर्ट में हमने ax इक्वल टू ओ कैप लिख दिया। a माने कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x माने दिस कॉलम वेक्टर, और ओ कैप इज जीरो वेक्टर, जीरो मैट्रिक्स। फर्दर सोल्यूशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज आर, देन नंबर वन, आर इक्वल टू एन इम्प्लाइज दैट सिस्टम हैज जीरो सोल्यूशंस ओनली। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, एन इज नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, है ना। देखो नंबर टू, आर लेस देन एन इम्प्लाइज दैट सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। इन दिस केस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस विल बी n minus r and rest solutions will depend on these independent solutions। तो यही इसका पूरा हिसाब किताब है जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना होगा। बस यही दो ही बातें तो हैं, r या तो n के बराबर होगा या तो n से कम होगा, r n से बड़ा नहीं होगा, r n से बड़ा नहीं होगा। अब r जब n के बराबर होगा तो सिस्टम के पास केवल जीरो सोल्यूशंस होंगे, जो कि होते ही होते हैं, यानी कि नॉन जीरो सोल्यूशंस नहीं होंगे, और जब r n से छोटा होगा तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस में इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस की संख्या r n माइनस r होगी, बकिया सोल्यूशंस इन्हीं इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस पे डिपेंड करेंगे, यानी कि इस सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन नहीं होते, यूनिक सोल्यूशन नहीं होते, यूनिक सोल्यूशन के नाम पर ये जीरो सोल्यूशन है बस। बकिया जैसे आप सॉल्व करते हो तो मान लो x1 बराबर 1 आ गया, x2 बराबर 3 आ गया, ऐसा नहीं आएगा। अब आइए हम एग्जांपल्स आपको बताएं, तो दो एग्जांपल काफ़ी है, एक ये केस, एक ये केस, तो फिलहाल दो एग्जांपल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। अगले वीडियो में होमोजेनस सिस्टम ही मैं पढ़ाऊँगा और उस पर एग्जाम्पल्स कुछ डिफरेंट फ्लेवर का रहेगा। एग्जाम्पल वन,
टू सॉल्व द होमोजेनस सिस्टम, होमोजेनस को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे HOM. होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो एक्स प्लस सेवनटीन वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो यानी कि टू थ्री वन वन टू थ्री वन वन टू थ्री वन मैं कॉलम वाइज चेक कर रहा हूँ वन माइनस वन माइनस फाइव सेवनटीन और वन माइनस थ्री फोर फोर वन माइनस थ्री फोर फोर या अब आइए इसको हम आगे बढ़ें सेवनटीन को जरा मैं एक बार फिर से चेक कर लूं ठीक हाँ सेवनटीन बड़ी संख्या देख के थोड़ी सी संदेह हुआ कहीं ये सेवन तो नहीं है ठीक ओके इट्स ओके। अब देखो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ सोल्यूशन कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। एक के नीचे एक ऐसे करके इक्वेशन लिखिए पहले जैसे मैंने लिखा था आर्टिकल समझाते समय एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो एक्स प्लस सेवनटीन वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो और ऐसे घेर के इसको नंबर एक डाल दीजिए यहीं ब्रैकेट में एन की सूचना दे दीजिए एन माने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड तीन है एन इज इक्वल टू थ्री ठीक। फिर इसकी आइडेंटिटी अगर लिख देंगे थोड़ी स्मार्टनेस झलकेगा वही मैं लिखने जा रहा हूं इट इज होमोजेनस सिस्टम और क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है इट इज होमोजेनस सिस्टम हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशंस ऑलवेज ऑलवेज वर्ड यहां नहीं लगेगा यहां लगाइए ऑलवेज हैविंग हाँ सेंटेंस अच्छा लिखना चाहिए दिस इज होमोजेनस सिस्टम कामा ऑलवेज पजेसिंग ऑलवेज हैविंग जीरो सॉल्यूशंस या ट्रिवियल सॉल्यूशंस जीरो सॉल्यूशंस ठीक। इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज या इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज मैट्रिक्स सारे कोफिशिएंट लिखे वन 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 टू माइनस वन माइनस थ्री थ्री माइनस फाइव फोर वन सेवनटीन फोर इंटू एक्स वाई जेड स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में ना हो जैसे कि चार इक्वेशन से वेरिएबल तीन ही है तो ऑर्डर पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये ऑर्डर कितना है फोर क्रॉस थ्री ये ऑर्डर है थ्री क्रॉस वन तो इधर ऑर्डर कितना आएगा फोर क्रॉस वन। ये जरूरी है इसलिए जरूरी है क्योंकि झटके में जब यहाँ कॉलम में जीरो लिखोगे तुम तो यहाँ तुम्हारी नज़र जाएगी कि एक दो तीन है तो यहाँ भी तुम तीन लिख दोगे जबकि देखो क्या है चार जीरोज हैं चार जीरोज हैं। दैट इज कैपिटल ए कैपिटल एक्स इक्वल टू ओ कैप। अब हम क्या करेंगे वर्किंग मेथड मैंने नहीं लिखा था मैं ऐसी मौखिक आपको समझा दे रहा हूँ।
एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे बस। तो उसके लिए आपको सब एप्सिलॉन फॉर्म में हमने ट्रेनिंग दिया ही है, इसे वन बनाइए, बना बनाया वन हो जरूरी नहीं है, इसकी मदद से नीचे सबको जीरो करिए। अप्लाइंग आर टू इज रिप्लेस्ड बाई आर टू माइनस टू आर वन, आर थ्री इज रिप्लेस्ड बाई आर थ्री माइनस थ्री आर वन, आर फोर इज रिप्लेस्ड बाई आर फोर माइनस आर वन। ओके, वी गेट दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, दिस माइनस थ्राइस ऑफ दिस, दिस माइनस दिस, यही करना है। सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो चेंज होंगे, फर्स्ट रो एज इट इज वन वन वन, टू माइनस टू जीरो है ना, आप देखिए टू माइनस टू जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, अब तीन गुना घटाना है, थ्री माइनस थ्री जीरो, माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट, और फोर माइनस थ्री वन, सीधा घटा देना है, वन माइनस वन जीरो, सेवनटीन माइनस वन सिक्सटीन, और फोर माइनस वन थ्री, ये ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है, हम बता चुके हैं, बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि किसी प्रोडक्ट पर जब आप एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो उसका असर किस पर पड़ता है, प्री फैक्टर पर, पोस्ट फैक्टर पर किसका असर पड़ता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये ऐसे ही रहेगा, इधर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तब भी जीरो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा ठीक। ये रही बात, अब यहां वन बनाने के चक्कर में है। देखो दो बातें दिमाग में आ रही है, या तो इस रो में और इस रो में दोनों में हम तीन से गुणा कर दें तो ये तीन के मल्टीपल हो जाएंगे, तो फिर इसकी मदद से सब जीरो हो जाएंगे, या तो पहले इसको हम नाइन कर लें और उसमें से इसको घट मतलब जोड़ दें तो यहाँ पे वन हो जाएगा। तो अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप क्या करें। तो हम समझ रहे हैं कि अप्लाइंग, हाँ जहाँ कई पॉसिबिलिटीज हो वहाँ तो आप चाहे जो करिए, अप्लाइंग आर टू इज रिप्लेस्ड बाई माइनस थ्री इंटू आर टू, ये वी गेट आर टू में माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, वन 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 जीरो नाइन, और थ्री फाइव जा फिफ्टीन, जीरो माइनस एट वन, जीरो सिक्सटीन थ्री, ये आ गया, ठीक है ना, बहुत ध्यान से गड़बड़ी ना भाई। इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो 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 जीरो, अब आर टू में आर थ्री जोड़ दें, अप्लाइंग आर टू इज रिप्लेस्ड बाई आर टू प्लस आर थ्री, वी गेट, ठीक है ना, वन 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 जीरो वन सिक्सटीन, और बकिया सब जो कहते हो, अब ये वन देखो टू टू प्लेस पर बन गया, जीरो माइनस एट वन जीरो सिक्सटीन थ्री, एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, ये रहा, ठीक। अब इस वन की मदद से नीचे सबको जीरो करिए, एक दो स्टेप और बस। अप्लाइंग आर थ्री इज रिप्लेस्ड बाई आर थ्री प्लस एट आर टू, है ना, इसका आठ गुना इसमें जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे इसका सोलह गुना, एक दो तीन चार, आर फोर, आर फोर इज रिप्लेस्ड बाई आर फोर माइनस सिक्सटीन आर टू,
वी गेट मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 16, 8 गुना जोड़ देना, 0 0, बबरे 16 128, 1 129, 16 128 ना, 1 ठीक, और फिर इसमें 16 गुना घटाना है, 0 16 में 0, अरे भाई 16 16 हम 256 होता है, अब 3 में से इसको घटाना है ना ऐसे, तो जाएगा -253 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0 0, ये रहा। अप्लाइंग R3 इज रिप्लेस्ड बाय 1/129 इंटू R3, R4 इज रिप्लेस्ड बाय -1/253 इंटू R4, वी गेट 1 1 1 0 1 16, 0 0 1 0 0 1 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0 0। लास्ट अप्लाइंग R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R3, वी गेट 1 1 1 0 1 16, 0 0 1, all 0 into एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0 0, ये रहा। ट्रायंगुलर फॉर्म निकाल लेते हैं, एशलन फॉर्म हमको मिल गया ना, एशलन फॉर्म इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म। तो अब लिख दिया जाए ना क्लियरली, R इक्वल टू रैंक ऑफ A, तो A की रैंक वही होगी जो इसकी रैंक होगी, बिकॉज इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रैंक, इक्वल टू 3, ओके, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, एंड दिस इज इक्वल टू N, सिंस R इज इक्वल टू N, देयरफॉर द सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशंस ओनली, दस द सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशंस only, अब देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नया बताया जा रहा है, नया सिर्फ आपको यह बताया जा रहा है कि R इक्वल टू N होने पर ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस, R लेस देन N होने पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इतनी सी बात नहीं है बस, बाकी इसमें जो कुछ भी हो रहा है सब आप पहले से पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन के इस एग्जाम्पल के समाप्त होने के बाद मैं वर्किंग मेथड लिख दे रहा हूँ, ये लिखा रहेगा तो ठीक रहेगा। पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अप्लाइंग एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस वी रिड्यूस ए टू अ ट्राइंगुलर फॉर्म, बस यही वर्किंग मेथड है। नाउ वी सी एग्जांपल टू, टू सॉल्व द following system of linear equations two w plus
प्लस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, फोर डब्ल्यू माइनस सिक्स एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू जीरो, माइनस सिक्स डब्ल्यू प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू जीरो। तरीका बिल्कुल वही जो अभी अभी आपको सिखाया गया। टू डब्ल्यू प्लस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, फोर डब्ल्यू माइनस सिक्स एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स डब्ल्यू प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू जीरो। नंबर वन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोन वेरिएबल्स फोर, डब्ल्यू एक्स वाई जेड फोर अननोन वेरिएबल्स हैं। इसकी आइडेंटिटी लिख दें, इट इज होमोजेनस सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस। इन फोर अननोन वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? W, X, Y, Z। इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज मैट्रिक्स कोफिशिएंट टू थ्री माइनस वन माइनस वन, ठीक है ना, फोर माइनस सिक्स माइनस टू टू और माइनस सिक्स ट्वेल्व थ्री माइनस फोर। ऑर्डर कितना है? थ्री क्रॉस फोर इंटू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका ऑर्डर कितना है? फोर क्रॉस वन। तो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना आएगा? थ्री क्रॉस वन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जीरो जीरो जीरो, यही तीन जीरो लिखना होता है, लेकिन आप इसको चेक कर लिया करो। इसलिए मैं फिर से एक बार अपनी बात दोहरा दूँ कि जब यहाँ पे कॉलम में जीरो लिखोगे ना तो तुम्हारी नज़र इस पे पड़ेगी, तुमको लगेगा यहाँ चार बार लिखा गया, तुम यहाँ पे झटके में चार बार लिख दोगे, जो कि गलत होगा। दैट इज ए एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे वन बना के नीचे जीरो करते हैं, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टू का मल्टीपल फोर है, टू का मल्टीपल माइनस सिक्स है। टू की मदद से फोर को भी जीरो कर सकते हैं, टू की मदद से इसको भी कर सकते हैं। तो इसी की मदद से नीचे सबको जीरो करने के लिए आइए ऑपरेशंस लिखें, एलिमेंटरी ऑपरेशंस। अप्लाइंग आर टू इज रिप्लेस्ड बाई आर टू माइनस टू आर वन and R3 is replaced by R3 plus 3R1, है ना? इसमें इसका तीन गुना लाके जोड़ोगे तब ये जीरो होगा। वी गेट मैट्रिक्स टू थ्री माइनस वन माइनस वन। हाँ, अब चलिए फोर माइनस दूना घटा दो, फोर माइनस फोर जीरो, माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस टू प्लस टू जीरो, टू प्लस टू फोर। जरा चेक कर लो भाई, फोर माइनस फोर जीरो, माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस टू प्लस टू जीरो, टू प्लस टू फोर। अब इसका तीन गुना करके यहाँ लाके जोड़ दो, है ना, जीरो तीन गुना करके जोड़ देना ना, ट्वेंटी वन, ठीक कर रहा हूँ ना, इसका तीन गुना करके इसमें जोड़ दो, ठीक है, इसका तीन गुना करके इसमें जोड़ दो जीरो, और इसका तीन गुना करके इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन, ये रहा, इनटू डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू
जीरो 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 एरा। अब भाई अब क्या करें, पहले तो हम सोच रहे हैं इसको हल्का करें, इसको भी हल्का करें, फिर बुद्धि लगाते हैं। अप्लाइंग आर टू इज रिप्लेस्ड बाई माइनस वन बाई फोर इन टू आर टू, और इसी समय आर थ्री को भी हल्का करना चाह रहे हैं। आर थ्री इज रिप्लेस्ड बाई वन बाई सेवन इन टू आर थ्री, वी गेट टू थ्री माइनस वन जीरो, माइनस फोर से डिवाइड करना है तो जाएगा थ्री जीरो वन, इसे सेवन से डिवाइड करना है जीरो थ्री जीरो माइनस वन, बस अब इसको वन बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसकी मदद से जीरो हो जाएगा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो जीरो जीरो। Applying R3 is replaced by R3 minus R2, we get 2, 3, minus 1, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, minus 1, minus 1, minus 2. डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो जीरो जीरो, बस अब इसके आगे प्रोसेस बंद हो गया ना, क्योंकि अब इसको वन बना क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। सो दिस इज द ट्रायंगुलर फॉर्म, यहीं से रैंक का आइडिया लीजिए, इसको लिखिए नंबर टू। क्लियरली आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू थ्री, जो कि एन से कम है, क्योंकि n बराबर कितना है, n बराबर लिखे थे ना आप सिस्टम वन में, आप लिख दिए थे ना फोर है, चार अननोन वेरिएबल्स हैं। सिंस r इज लेस देन वन, देयर फोर द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दस द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन दिस केस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की संख्या निकाली जाती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस विल बी एन माइनस आर, दैट इज फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू वन। एक सोल्यूशन आपको इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा फ्रॉम टू। अब मल्टीप्लाई करिए इसका, इसमें मल्टीप्लाई करके इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करिए, टू डब्ल्यू प्लस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो। कुछ तो कहीं गड़बड़ा हो गया हमको लगता है, कहीं गड़बड़ी हो गई है, और इतनी दूर में तो गड़बड़ी नहीं दिख रही है, यहीं पर गड़बड़ है ना, बस यही पकड़ में आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। माइनस वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करना था इसमें, यानी माइनस चार से भाग देना था, तो यहां पे अगर तीन है तो यहां माइनस वन आएगा। ये बड़ी जरा सी गड़बड़ी से पूरा वीडियो बेकार हो जाता, हमें फिर से वीडियो बनाना पड़ता है, एक गड़बड़ी पकड़ में आ गई।
ये समझ लिए सब लोग ना, देखो माइनस एक बटा चार से गुणा करोगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस तीन और ये हो जाएगा माइनस वन, बस। और अब ये जब लगाओगे आप तो ये नीचे आल जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, तो रैंक कितना हो जाएगा टू ये। और एन माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी फोर माइनस टू इक्वल टू टू, ठीक। और ये खत्म हो जाएगा, थैंक्स गॉड बच गए, नहीं पूरा वीडियो मेरा फिर बेकार हो जाता। चलिए ये सही लिखा हूं ना, टू डब्ल्यू प्लस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ये दूसरे क्रम पे है तो जाएगा थ्री एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो, इसे नंबरिंग कर दें थ्री। दो सॉल्यूशंस को इंडिपेंडेंट मानना है, दो को इंडिपेंडेंट माना है, यहां पे गड़बड़ है ना, सब जगह सुधारे तो यहां देखो भूल गए, यही चीज तो यहां लिखना था भैया, ये माइनस, तो अभी हो जाएगा माइनस जेड, अब ठीक है। तो दो को मानना है, किसको? दो को मानना है। अब एक्स और जेड दोनों को मान लोगे तो फिर यहां वाई और जेड का क्या करोगे? तो इसमें देखो इसका टेक्निक आपको बताएं, एक वेरिएबल उसको जरूर इंडिपेंडेंट वैल्यू दे देना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। तो जेड भी दोनों में कॉमन है, एक्स भी दोनों में कॉमन है। अगर जेड को हम कुछ मान लेंगे तो एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, अवॉइड करिए फ्रैक्शन, अगर आ जाएगा तो बाद में उसको हम ठीक कर लेते हैं। तो एक तो हम एक्स को मान लें और इधर फिर किसी को मान लें, डब्ल्यू को चलो मान लेते हैं। देखो लेट डब्ल्यू इक्वल टू एच और एक्स इक्वल टू के, देन फ्रॉम थ्री W इक्वल टू एच एक्स इक्वल टू के कामा, अगर x k है तो z देखो निकलने जा रहा है, तो z बराबर कितना निकलेगा? थ्री के। अब बच गया y, यहां से y माइनस y उधर कर दो तो हो जाएगा y इक्वल टू क्या क्या बचा, टू डब्ल्यू प्लस थ्री एक्स माइनस जेड इक्वल टू, टू डब्ल्यू माने टू एच प्लस थ्री एक्स माने थ्री के माइनस जेड थ्री के इक्वल्स टू कितना हो गया, टू एच हो गया। काफी प्रैक्टिस की चीज है और बहुत कंसंट्रेट होकर करने वाली चीज है, क्योंकि देखो एक छोटी सी गलती पूरा आंसर चेंज कर देती है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस The required solutions are, क्रम से लिखिए, W equal to H, X equal to K, Y equal to 2H, Z equal to 3K, where H and K are arbitrary real numbers. Arbitrary real numbers. यानी H और K के कितनी values हम यहाँ पे assign कर सकते हैं? Infinite values. तो solutions कितने आ गए? Infinite solutions आ गए. जिसमें दो independent हैं. देखो ये X है, ये K है. ये एच है और के है, इंडिपेंडेंट है, बकिया दो इन्हीं पर निर्भर है। अगर हम एच बराबर जीरो के बराबर जीरो ले लें तो सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की गठरी है, इट इंक्लूड्स जीरो सॉल्यूशंस आल्सो एज वेल एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। वीडियो को लाइक करिए, अगले वीडियो में हम होमोजेनस सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस दूसरे फ्लेवर के आपको बताएंगे। थैंक यू।